नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 16 दोहे के अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में करेंगे प्रश्न 2, इसमें है मौखिक प्रश्न। ठीक है, कम देखिए माटी किससे कहती है, किससे कहती है दोहा आपने पढ़ा था? जी हाँ, कुम्हार से कहती है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपका कुम्हार से। ख में देखिए, पाठ में पहले खंड के 4 दोहे किस कवि के हैं? जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उसमें जो 4 दोहे लिखे थे वे किस कबीरदास ने लिखे थे? ठीक है, तो इसमें लिखा था कबीरदास जी ने ये दोहे लिखे थे। ठीक है, और ग में देखिए, पाठ में दूसरे खंड के दोहे किस कवि के हैं? तो इसमें आएगा आपका तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद प्रश्न घ में देखिए, इसमें है पाठ में तीसरे खंड के दोहे किस कवि के हैं? रहीमदास जी के। ठीक है, ड में देखिए, प्रेम के धागे का दोहा किस कवि का है? किस कवि का है? रहीमदास के कवि है। ठीक है, ये जो दोहा लिखा था किसने लिखा है? रहीमदास ने। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 4, अधोलिखित पद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ये छूटे हुए शब्द हैं उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, इसमें देखिए रहीमन डैश, इसमें आएगा धागा, प्रेम का डैश चटका है, इसमें आएगा मत तोरो, उसके बाद डैश पे फिर ना, टूटे पे ना, उसके बाद इसको आपको काट देना, इसमें कुछ नहीं आएगा, जुरे डैश पड़ जाए, जुरे गाठ पड़ जाए। ठीक है, रूठे डैश मनाइए, रूठे सूजन मनाइए, जो डैश सो डैश, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे डैश टूटे मुक्ता हार। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 5 देखिए, उत्तर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें है जो आपको सही है इसमें आंसर आपको सही करना है। तो प्रश्न क में देखिए, उन व्यक्तियों को कुसंग, कुसंग मतलब क्या होता है? नुकसान जो होता है, नहीं बुरी चीज़ों का जो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो किस चीज़ को नहीं पहुंचा सकता? जो है उत्तम प्रकृति का या नीच प्रकृति का हो या आलसी हो। तो जो उत्तम प्रकृति का हो, जो सही हो, उस पर आप कितना भी कुछ बुरे चीज़ें बोल दो या बुरा चीज़ कर दो, उस पर उस चीज़ का कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर आएगा उत्तम प्रकृतिक हो। ठीक है, ये ख वाला आपको नहीं करना है, इसको काट देना आपको। उसके बाद है ग, मीठा बोलने से क्या परिणाम आता है? अगर आप प्यार से किसी से मीठा बोलते हैं तो उसका क्या फल मिलता है आपको? सुख मिलता है, दुख या लोभ? तो इसका उत्तर है आपका सुख। ठीक है, घ में देखिए, किसकी कृपा से भगवान से मिलना हुआ? किसकी कृपा पाकर भगवान से मिलना होता है? मित्र से, गुरु से या मंत्री से? गुरु की कृपा से। जब तक गुरु की कृपा आप पर नहीं लगेगी आप भगवान से अपना मिलन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ड में देखिए, हाथ की माला छोड़कर किसकी माला जपने की बात कही है? तुलसी की, रुद्राक्ष की या मन की? तो मन की माला की बात कही है। ठीक है, प्रश्न 6 में देखिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, कम देखिए, सज्जन व्यक्ति के नाराज होने पर नहीं मनाना चाहिए। तो क्या आएगा? नहीं मनाना चाहिए, यह है गलत। ठीक है, हमें मनाना चाहिए। ख, प्रेम का धागा टूटने के बाद जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है। हाँ, जब किसी चीज़ में गांठ लग जाए एक बार तो कैसा लगता है? बेकार होता है। ठीक है, गम देखिए, जहाँ सुई काम आती है वहीं तलवार भी काम आती है? नहीं, सुई का काम सुई की जगह अच्छी लगती है, तलवार का काम
तलवार की जगह अच्छी लगती है, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका गलत। उसके बाद घ देखिए, शरीर में प्राण रहने तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ, ये सही है। जब तक आपके शरीर में प्राण है, सांसें चल रही है, आपको दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। प्रश्न ये ण में देखिए, वीर योद्धा के सामने काय रुद्ध भी नहीं ठहरते। वीर योद्धा के सामने कायर युद्ध में नहीं ठहरते, तो ये क्या आएगा? सही। जो वीर योद्धा होते हैं, जो वीर महापुरुष होते हैं, उनके सामने कायर मनुष्य नहीं टिक सकता, ठीक है, तो इसका भी क्या आएगा? सही आएगा। प्रश्न सात में देखिए, सार्थक शब्दों का मिलान कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए, माटी, इसमें आएगा कुम्हार, मन का माला, गुरु गोविंद, वशीकरण मंत्र, उसके बाद विष भुजंग, ठीक है बच्चों। ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपने बुक में करने हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों।